रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है और लगभग सबके घर में रामायण की किताब होती है। रामायण में अनेकों ऐसी बातें हैं जिसका पालन करके मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को आराम से बिना किसी बाधा के बिता सकता है। यूं तो रामचरितमानस में लिखी हुई हर बात का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण मतलब है, लेकिन किताब में एक ऐसी बात भी लिखी गई है जो हम सबके जीवन के गुजर बसर में बेहद काम आने वाली है। आखिर क्या है वो बात, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, तो आप सबका सबसे पहला जवाब होगा पैसा। ऐसा इसलिए कि आजकल का मनुष्य इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि वो अधिक से अधिक धन कमा सके, और इसके लिए वो रात दिन कड़ी मेहनत भी करता है। और फिर पैसा कमाना कौन चाहता नहीं है, हर किसी को एक सुखी जीवन की कामना होती है। पर रामचरितमानस में कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं जिनकी माने तो कड़ी मेहनत के बावजूद भी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं ठहरेगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या हैं वो बातें जिनके पास पैसा नहीं ठहरता है। नंबर एक, जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते और खुद को बाकियों से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके पास धन की कमी हमेशा रहती है। घमंड के कारण वे लोगों के मेल जोल से दूर रहते हैं। नंबर दो, नौकरी पे जाने वाले लोगों को भी धन की कमी सताती है। अपने सपने को चाहते हुए भी ये लोग किसी ना किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाते। नौकरी पेशा लोग गुजारे भर धन तो कमा लेते हैं पर उसे वर्तमान के लिए नहीं बचा पाते। नंबर तीन, नशे में गिरफ्त में रहने वाले लोगों को भी लक्ष्मी की कमी रहती है। उनका सारा पैसा नशा करने में ही चला जाता है। नशीली पदार्थों का सेवन करने वाले कभी भी अमीर नहीं बन पाते। नंबर चार, ज्यादा धन के लालची लोग भी पैसा कमाने से वंचित रह जाते हैं। धन के पीछे भागने वाले लोगों को कभी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। शायद इसलिए कहा जाता है लालच बुरी बला है। तो ये कुछ बातें थीं जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। बुरी आदत को भी अपने अंदर से जल्द निकालने की कोशिश करें। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहेगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।